ये देखिए शीशी से बना हुआ है गाइस, ये देखिए मंदिर बनाया हुआ है पूरा शीशी का, छोटा छोटा जो बोतल होता है शीशी से बनाया हुआ है, ध्यान नहीं गया था अभी अभी। नमस्कार दोस्तों, हम अभी तारापीठ में हैं और तारापीठ में ही आप लोगों को भारत सेवा श्रम संगठन द्वारा निर्मित एक मंदिर का दर्शन करवाएंगे जो कि बेहद खूबसूरत और आकर्षक है। तो चलिए इसमें प्रवेश करते हैं। ये मंदिर का मुख्य एंट्रेंस है और यहीं से आप मंदिर में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के बाद कुछ इस प्रकार का व्यू है मंदिर का जो आपके सामने है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। यहाँ पे भक्तों का ताता लगा होता है क्योंकि तारापीठ में जो श्रद्धालु आते हैं तो जिसको पता होता है तो वो यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा जगह है, बड़ा शांति है इस मंदिर में और बेहद आकर्षक। यहाँ भगवान कृष्ण की लीला की कई तस्वीरें दीवारों में लगाई गई है जो बेहद आकर्षक है। तो चलिए चलते हैं मंदिर, अंदर घुसते हैं। तो अभी हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए हैं और यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल है, यहाँ पे सभी सब बैठी हुई है, आरू भी खेल रहा है, बहुत मजा आ रहा है इसको। क्या कर रहे आरू? आरू खेल रहा है यहाँ, आरू को अच्छा लग रहा है। अरे बोलो हाय, हाय करो, हाय बोलो। आरुफ बहुत खुश है, इधर उधर कर रहा है फुसल कूद, बहुत मज़ा आ रहा है उसको। तो चलिए अब आप लोगों को दर्शन करवाते हैं मंदिर। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को दर्शन करवाते हैं राधा और कृष्ण का। देखिए ये सुंदर सी प्रतिमा है, बेहद खूबसूरत मूर्ति। इसके अलावा और भी एक यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है, नहीं पहचान रहे हैं आप लोग, पहचानते होंगे तो कमेंट करिएगा। और ये माँ काली और शंकर भगवान और एक शिवलिंग। बहुत ही सुंदर में ढंग से सजाया गया है मंदिरों को। तो चलिए अब तहखाने में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे राधा कृष्ण के साथ बहुत सारे गोपियाँ हैं जो रासलीला को प्रदर्शित करते हुए दिखाया गया है, बेहद आकर्षक लग रहा है ये झांकियाँ और काफ़ी मनमोहक भी है, देख सकते हैं। एकदम लाजवाब लग रहा है देखने में। चलिए आप यहाँ की दीवारों पर दिखाते हैं क्या क्या बना हुआ है। यहाँ की दीवारों को अगर देखें तो लगभग सारी देवी देवताओं की तस्वीरें बनी हुई है। इसके साथ साथ जो है और भी अन्य कई तस्वीरें बनी हुई है जो देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। देख सकते हैं ये समुद्र मंथन का तस्वीरें हैं। और ये देखिए गोवर्धन पर्वत को जो उंगली पे उठाया है कृष्ण भगवान ने, उसकी तस्वीरें हैं। तो कृष्ण भगवान की बचपन की सारी लीलाओं का जो तस्वीर है वो दीवारों पे देख सकते हैं। कृष्ण भगवान बचपन का है जब यमुना पार करा रहे थे। पुतना राक्षस देखो, ये पुतना राक्षस। चलो चलो
सारे महा यहाँ पे। चलो ये देखिए सीसी से बना हुआ है भाई जी, देखिए मंदिर बनाया हुआ है पूरा सीसी का, छोटा छोटा जो बोतल होता है उसी से बनाया हुआ है। ध्यान नहीं गया था, अभी ध्यान आ गया तो देखें पता चला, रियर कैमरा से देखें पूरा का पूरा मंदिर है ये, छोटा छोटा जो सीसी का बोतल नहीं होता है दवाई वाला उसी से बनाया गया है ये देखिए। और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, यहाँ पे शंकर भगवान की मंदिर बनाई गई है और एक और है। तो हम लोगों का ये वाला मंदिर कंप्लीट हो गया, अभी हम लोग सब जा रहे हैं होटल। हाय बोलो आरु। हाय। बोलो कैसा लगा मंदिर? कैसा लगा मंदिर? हम तो बहुत उछल कूद किए हैं। तो बहुत तो उछल कूद किए। आप लोग आके कीजिएगा यहाँ पे, आप लोग आकर कीजिएगा। यहाँ बंदर से सावधान रहिएगा। बंदर से देख सकते हैं गाइस कितना बड़ा बड़ा कटहल है। चलो